इंडियन ब्लाइंड कैप्टन गुजरात मूळ वतन कांकरेज तालुकानू वडा जिल्लो बनासकांठा खाते जे गुजरात राज्यनी इंडियन ब्लाइंड ने टीम ना कैप्टन तरीके सेवा आपी रह्या छे त्यारे शिहोरी पोलीस स्टेशन में फरज बजावता हता अने हाल में भाभर तालुका पोलीस स्टेशन में फरज बजावे छे तेवा निष्पक्ष बाहोश पीएसआई पीएच एच एल जोशी साहेब द्वारा इंडियन ब्लाइंड टीम ने आर्थिक रीते मदद करीने नवी राह चींधी छे। टीमना कैप्टन वाघेला विष्णुभा तेजुभा गाम वडा तालुको कांकरेज जिल्लो बनासकांठाने पोतानुं तेमज समग्र टीमनुं मनोबळ मजबूत बनावा माटे गुजरात पोलीस डिपार्टमेंटना युवा पीएसआई एच एल जोशी साहेबे फूल नहीं तो फूलनी पांखड़ी जेवी आर्थिक सहाय करी छे। समग्र गुजरातमां घणा बधा राजकीय नेताओ अने आगेवानोने पण आर्थिक सहाय करवा माटे कैप्टन वाघेला विष्णुभाए पोतानो वीडियो वायरल करीने अपील करी छे, त्यारे हवे आवा दिव्यांग खेलाड़ियोनी टीम खूब मजबूत बने अने गुजरात राज्यनुं नाम रोशन करशे एवी खात्री आपी छे। एच ए जोशी साहेबना आभार व्यक्त करतो वीडियो हवे केटला लोको आगळ वधावशे अने मदद करीने दिव्यांग खेलाड़ियोने योग्य रीते मदद करशे ते जोवुं रह्युं। नमस्कार, हूँ वाघेला विष्णुभा तेजभा गाम वड़ा इंडियन ब्लाइंड फूटबॉलर अने गुजरात टीम हाली तारीख में कैप्टन छू। अने आज हूँ खुश छूँ, कहता पण लागणी अनुभव छू भाई पूरी गुजरात टीम तरफ थी। तो गुजरात टीम तरफ थी मने कहता लागणी अनुभवाय छे कि आपड़ा कांकरेज तालुकाना पीएसआई श्री हरेशभाई जोशी सर ने अमे खूब खूब एमने आभारी छीए, कारण कि एमने अमने थोड़ी आर्थिक रीते मदद करी छे। तो ये बदल अमे एमना खूब खूब आभारी छीए अने बीजा अपना गुजरातना जे पण वीडियो लोको जोवे एमना बधा आगेवानोने अपना आगळ आवता नेताओ लोको बधाने जे पण आगळ पड़ता छे एमने बधाने नम्र विनंती नम्र अपील गुजरात टीम तरफ थी मारे ब्लाइंड फूटबॉल पूरी टीम तरफ थी हूँ विनंती करूँ छूँ कि आप सौ मित्रों आगळ आवो अने सपोर्ट करो अने मारा बधा खेलाड़ियों ने प्रोत्साहन आपी अने आप आगळ वधारो तो आपू आपणा गुजरातनुं नाम आपणा देशनुं नाम आगळ वधशे एनी हूँ चोक्कसपणे पणे बाहेधरी आपू छूँ। खूब खूब आभार आप सौनो अने फरीथी आपणा हरेशभाई जोशी सरनो पण खूब खूब आभार कि अमने जे एमनाथी थती आर्थिक सहाय ने सपोर्ट कर्यो छे ए बदल अने अमारुं खेलाड़ियों प्रोत्साहन पण वधार्युं छे ए बदल अमे घणा बधा खुश छीए। तो बीजा आ जोई अने बीजा अन्य आगेवानोने पण नम्र अपील करूँ छूँ। प्रदेश कांग्रेस समिति कोविड 19 न्याय यात्रा लईने समग्र गुजरात ना गामडाओ ने शहरों में वोड़ों में फरी रही है, खास करीने सरकारी बेदरकारी ना कारणे कोरोना में जे लोकोना मृत्यु थया छे ए परिवार ने 4 लाख रुपया नुं वळतर आपवामां आवे, जे मृत्यु नथी पाम्या पण कोरोना में एमना मेडिकल बिल दवाना बिल हॉस्पिटल ना बिल खूब मोटा आया छे एने सरकार राहत आपे। सरकारी कर्मचारी ए आरोग्यना होय पोलीस कर्मी होय तालुका पंचायत जिला पंचायत ना होय रेवन्यू ना होय कोई पण सरकारी के अर्ध सरकारी कर्मचारी कोरोना नी फरज दरमियान एने कोरोना थयो अने आकस्मिक एनु मृत्यु थयु होय तो तेवा परिवारों में तेमना घर में कोई एक व्यक्ति ने सरकारी नौकरी मळे। समग्र कोरोना नी गुजरात नी महामारी में 1.5 लाख लोग मर्या छे अने सरकार नी बेदरकारी थई होय त्यारे साची बेदरकारी बहार आवे लोकोना मौतनो मलाजो सरकारे नथी जाणव्यो ए विगतो पण बहार आवे कोनी क्या क्या केटली भूलो थई छे अने एना दोषित कोण छे ए पण बहार आवे ए माटे हाईकोर्टना जस्टिस अथवा सुप्रीम कोर्टना जस्टिस द्वारा आ कोरोना नी महामारी नी वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष दरमियान जे कई बनावो बन्या छे एनी तटस्थ तपास थाय एटला माटेनुं तपास पंच नीमवामां आवे। आ 4 मुद्दा लईने कोंग्रेस न्याय यात्रा लईने गामडे गामडे फरी रही छे। मारी प्रजाने विनंती छे, गुजरातना लोकोने विनंती छे કે 1.5 લાખ લોકો મરી ગયા, વેન્ટિલેટર ઓક્સિજન પથારી અને હોસ્પિટલમાં બેડ નહીં કરવાના હિસાબે લાખો લોકો મરી ગયા અને છતાં સરકાર એમ કહે છે કે કોરોનામાં ઓક્સિજનથી કોઈ મૃત્યુ નથી થયું, કાલ આવતા એમ કહેશે કોરોના હતો જ નહીં
કોરોના જેવી કોઈ ચીજ નથી એવા જુઠ્ઠા લોકોની સામે જે સાચી હકીકતો છે અને જે પરિવારોને મળીએ છે અને એની વેદના જે કહી રહ્યા છે એ વેદનાઓ સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટેનો એક નમ્ર પ્રયાસ છે। સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજાને વિનંતી છે કે તમારા મુદ્દાઓ લઈને કોંગ્રેસ નીકળી છે, પ્રજાને ન્યાય અપાવવા માટે નીકળી છે। જેના ઘરનો લાડકવાયો જતો રહ્યો છે એના ઘરને ન્યાય આપવા કોંગ્રેસ નીકળી છે, ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં આપના આશીર્વાદ મળી રહે એ જ વિનંતી। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 इंडिया।